58 टनल्स। ब्रिजेस। फोर अवर्स स्पेक्टैक्युलर जर्नी। Endless, marvelous sceneries. It's none other than beautiful Araku Valley train journey. Hey guys, it's me, your Rasul. Welcome back to my channel. And here is my latest vlog is the beautiful Araku train journey. Let's start the beautiful journey. ये जो है विशाखापट्टनम टू किरंडोल पैसेंजर ट्रेन एंड जो कोचेस दिखते हैं विस्टाडोम एसी कोचेस है, स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए डिजाइन किए थे। तो आंध्र प्रदेश में विस्टाडोम कोचेस रहने का ट्रेन एक ही है। चलते हैं इनसाइड व्यू देखेंगे कोच का। ये जो सीटिंग दिखता है तो ये सीट्स को रोटेट कर सकते हैं, इसका मेन स्पेशलिटी है। 180 डिग्रीज में रोटेट कर सकते हैं, जिस साइड चाहे उस साइड रोटेट होकर बैठ सकते हैं। एंड ग्लास सीलिंग, लार्ज विंडोज कोच का मेन स्पेशलिटी है, क्योंकि साइड प्लेसेस देखने में और मजा आ जाएगा इसमें से। करता हूँ प्रॉब्लम ये नहीं देखेगा तो सिर्फ खाते बच्चे। एंड ट्रेन का और एक मेन एडवांटेज, ट्रेन का बैक साइड व्यू देख सकते हैं। अब तक आप ट्रेन को लेफ्ट एंड राइट देख रहे थे, बट इसमें बैक साइड भी देख सकते हैं। फाइनली जर्नी तो स्टार्ट हो गया है, तो एक्चुअली राइट टाइम ऐसे 6:45 का है, बट 15 मिनट लेट से 7 को डिपार्ट हो गई है। एंड ट्रेन का नंबर 08551, विशाखापट्टनम टू किरंडोल पैसेंजर ट्रेन। हमको यहाँ से 4 आवर्स का जर्नी लगेगा, नियरली 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट पैसेंजर ट्रेन है थोड़ा टाइमिंग्स डिफरेंस रहते हैं। एंड इसका बैक साइड व्यू एकदम आसम है ना। मेरे जिंदगी में जितने ट्रेन भी देखे हो, बट बैक साइड व्यू कभी नहीं देखे, फर्स्ट टाइम। एक स्पेशल एक्सपीरियंस है मेरे लिए। नॉर्मल से विंडो व्यू तो मिल जाएगा, बट लास्ट कुछ मिलेगा तो ही ये व्यू मिलेगा। इसमें सिर्फ 3 कोचेस है विस्टाडोम के, एंड आपको विस्टाडोम कोच एक कोच का अंदर का व्यू है। और एक 1 आवर के बाद हिल स्टेशन सब स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा है ना बैक साइड व्यू। शायद और एक स्टेशन पहुंच रहा हूँ। एंड यह है पेंदुर्ती रेलवे स्टेशन। ये तो थर्ड स्टॉप है विशाखापट्टनम से। फाइनली पेंदुर्ती से भी निकल गया हूँ, बस 10-15 मिनट लेट से ही चल रही है। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन कोत्तवलसा जंक्शन।
कोतवालसा स्टेशन को पहुंच गया हूँ, सेम एज वेल एज 15 मिनट लेट से ही चल रही है। पैसेंजर ट्रेन को 15 मिनट का कोई बात नहीं, इट्स क्वाइट नेचुरल इन इंडियन रेलवेज। जितना जाती है लेकिन प्लेटफॉर्म तो आता ही नहीं है। प्लेटफॉर्म छोटा है, ट्रेन बड़ा है पता नहीं, प्लेटफॉर्म के बहुत दूर में ही रुक गया है मेरा कोच। ये कोतवालसा जंक्शन एक मेजर रेलवे स्टेशन है। ओह 20 मिनट के बाद यहाँ से निकल गई है, सो ओवरऑल से हाफ एन आवर लेट से ही चल रही है। एंड फाइनली डिपार्टेड फ्रॉम कोतवालसा जंक्शन। एंड इसके बाद और छोटे छोटे स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन मल्लीपीडु एंड उसके बाद एस कोटा, श्रृंगवरपु कोटा। एंड एस कोटा के बाद से ही सब हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से टनल्स ब्रिजेस सब ग्रीनरी स्टार्ट हो जाता है। एंड इसको जो कोचेस है सब LHB कोचेस है, लिंक हाफमन बुश कोचेस है, इसलिए कोचेस का थोड़ा लेंथ ज़्यादा रहता है। सो फाइनली एवरेज स्टेशन पे आ गए मल्लीपीडु। ओ ऐसे सिर्फ 2 मिनट ही रुकिए, तो बाय बाय टू मल्लीपीडु। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन श्रृंगवरपु कोटा। अब जो भी आपका ब्रेकफास्ट जो भी होता है इस कोटा से पहले से ही फिनिश कर लेने से एंड उसके बाद जो है आप आराम से एंजॉय कर सकते जो भी सीनरी से। सो फाइनली पास में आ गया हूँ इस कोटा रेलवे स्टेशन को। एंड दिस इज श्रृंगवरपु कोटा। एंड पीछे जो हिल्स दिखते हैं ईस्टर्न गार्ड्स। अरे यार इतना अच्छा है ना व्यू, ये व्यूज के लिए ना हम इतना देर से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 15 मिनट रुका दिया है। एंड यहाँ से हमारे ट्रिप में और मज़ा आने वाला है क्योंकि हिल एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एंड इसके बाद और एक छोटा सा स्टॉप आ जाएगा बोडावारा। एंड बोडावारा के बाद पूरा सा टनल्स एंड ब्रिजेस फॉरेस्ट एरिया पूरा स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। शायद आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न घाट्स का ब्यूटी एंड ऑफ क्लाउड्स हिल्स, किधर देखो भी ग्रीनरी। ये आंध्र प्रदेश का एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है अरकु वैली हिल स्टेशन। मैक्सिमम इसका बेस्ट टाइम तो सितंबर से लेके फरवरी तक रहता है, बट आपको ये कोच में जर्नी करना है तो एडवांस से ही बुक करना पड़ेगा आपको प्लान के हिसाब से, क्योंकि लास्ट मिनट में टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है। एंड इसका टिकट फेयर आके 735 रुपीज़ है। थ्री कोचेस है इसलिए इतना ज़्यादा डिमांड रहता है, तो हल्का हल्का फॉरेस्ट के अंदर तो एंट्री होने लगे।
एक्चुअली वीडियो लेंथ तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, नियरली 15 मिनट तक आया है, बट कितना भी ट्रिम कर दिया हो, कितना भी एडिट कर दिया हो, बट फाइनल आउटपुट तो 15 मिनट आ गया है। एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आप लाइक करेंगे बोल के, बट आपको ये 4 आवर्स जर्नी में कहाँ पे भी बोर फील नहीं होंगे। एंड ट्रेन में तो स्नैक्स ब्रेकफास्ट ये सब आता है, बट ब्रेकफास्ट तो इतना क्वालिटी नहीं है, सो इसलिए ब्रेकफास्ट आप बाहर से कैरी करना ही बेहतर है, बट स्नैक्स वो सब मिल जाएंगे, एंड कोल्ड ड्रिंक्स बिस्किट्स ये सब जो भी है स्नैक्स तो आराम से मिल जाएंगे, सो उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली पहुंच गया हूँ बड्डावरा रेलवे स्टेशन के पास। ये जो कोचेस दिखते हैं ये तो कोरोना टाइम का एक सैड मेमोरी है, कोरोना टाइम में जो आइसोलेशन के लिए यूज़ किए थे वो कोचेस है, इट्स ए बैड मेमोरी फॉर अस। फाइनली बोटावरा स्टेशन भी क्रॉस कर चुका हूँ, सेम 40 मिनट्स लेट से चल रही है ट्रेन। मैं भी बहुत एक्साइटेड से हूँ ये टनल्स एंड ब्रिजेस देखने के लिए, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ, एक्चुअली 2021 से स्टार्ट हुआ है। कोरोना से पहले भी स्टार्ट हो गया है, बट थोड़ा गैप देने के बाद फिर नवंबर 2021 से फिर से स्टार्ट किए विस्टाडम कोचेस। पीछे व्यू एकदम मस्त है ना, फर्स्ट टनल पहुँच रहे हैं। एकदम मस्त दिखता है ना बैक साइड व्यू, बट ये थोड़ा मिरर की वजह से थोड़ा शेडिंग दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट होना ही पड़ेगा, कैमरा में कैप्चर करने के लिए यही थोड़ा दिक्कत है, पर नॉर्मल से देखने के लिए तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा लाइफ में। पर्सनल से रिकमेंड करता हूँ आप फैमिली के साथ एक बार ज़रूर से आप विजिट कर सकते हैं अरको वैली हिल स्टेशन, एंड कंपलसरी ये ट्रेन में ही आप जर्नी करके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लाइफ में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे कोचेस तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, सो जहाँ पे अवेलेबल है ज़िंदगी में एक बार ऐसे एक्सपीरियंस देख सकते हैं। फाइनली टनल्स के पास आ गया हूँ मैं भी, एकदम पीछे का लुक तो एकदम ब्यूटीफुल से दिखता है मुझे। ओह दैट इज द फर्स्ट टनल, फर्स्ट टनल। सब लोग मोबाइल्स एंड कैमरास में कैप्चर करने लगे, हो गया फर्स्ट टनल। अरे यार इतने में सेकंड टनल भी आ गया है, एंड सेकंड का भी फिनिश हो गया है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसमें। अरे वाह वाटरफॉल है इधर जॉइंट पकना। अभी तो बहुत वक्त है मेरा दोस्त एंजॉय करने के लिए, ये तो सिर्फ 2 टनल ही कंप्लीट हुए और 56 टनल्स बाकी है, शायद 3 में कभी आ चुका है। ओह 3 में कभी आ चुका है,
सच में मेरे लिए ब्यूटीफुल जर्नी है ये। मेरे ज़िंदगी में जितने ट्रेन जर्नी किया हूँ बट ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया हूँ। एंड कोच पे बच्चे तो शोर मचा रहे हैं इतना ज़ोर से। टनल के अंदर जाने के वक्त जो साउंड आएगा ना उसमें बहुत मज़ा आएगा। पीछे थोड़ा दूर में देख सकते हैं एक वाटरफॉल तो आता है, थोड़ा आप कीन से ऑब्जर्व करते ही दिखेगा। एकदम सीनरी तो मस्त लग रहा है ना यहाँ पे। इंडियन रेलवेज को तो एकदम हैट्स ऑफ बोल सकते हैं क्योंकि इतना तकलीफ से हिल स्टेशन में ट्रैक डालना इतना इजी का बात नहीं है। हम जितना एंजॉय करते हैं बट उसके पीछे जो हार्ड वर्क रहता है कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एक हैट्स ऑफ तो जरूर से मिल सकता है उनको। फिर से और एक टनल। एक साइड टनल्स, एक साइड ग्रीनरी, फिर से ब्रिजेस। कभी कभी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस भी फेस करना पड़ता है। छोटा सा ब्रिज है बट एकदम आसम है। पीछे विंडो की वजह से थोड़ा सा शेडिंग है बट नॉर्मल से देखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा में कैप्चर करने के लिए थोड़ा शेडिंग आ रहा है। एंड टीटी आके यहाँ के गेट्स भी क्लोज कर दिया है क्योंकि डेंजरस प्लेस है तो बच्चे आते रहते सो इसलिए तो गेट के पास से भी कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है। गेट सब बंद कर दिया है। ऐसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा है ना। अगर आप अरकू विजिट करना चाहेंगे तो बेस्ट सीज़न तो वही है सितंबर से लेके फरवरी तक। सितंबर में मानसून सीज़न है बट उससे भी ज़्यादा आप जनवरी फरवरी में विज़िट करेंगे तो और भी बहुत अच्छा रहता है विंटर सीज़न में क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड रहता है एंड वो एरिया भी इतना आपको देखने के लिए बहुत अच्छा रहता है प्लेसेस सब। एंड अगर आप जर्नी करना चाहेंगे तो ठीक से प्लान करके जर्नी करना है क्योंकि वहाँ पे जितने प्लेसेस है विजिट करने के लिए आपका टाइमिंग है ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से आप करेक्ट से प्लान करेंगे तो एग्जैक्टली 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। आई थिंक 7-8 प्लेसेस है वहाँ पे आपको अच्छे से विजिट करने के लिए। एंड द फर्स्ट थिंग इज कटिकी वाटरफॉल्स, चापराई वाटरफॉल्स, बुरा केव्स। एंड ट्राइबल म्यूजियम, कॉफी म्यूजियम, पद्मापुरम गार्डन्स एंड कॉफी प्लांटेशंस। ऐसे जो भी है 7-8 प्लेसेस है विजिट करने के लिए आप करेक्ट से प्लान करके आएंगे तो 2 दिन में, बस 2 दिन में आराम से आपका ट्रिप फिनिश हो जाएगा सक्सेसफुल से। टनल्स एक के साथ आने ही लगे हैं।
और भी बहुत टनल से। हाँ तो मैक्सिमम 40 मिनट्स लेट से ही चल रही है। सो एक्चुअली इसका राइट टाइम तो है 10:55 अराकू स्टेशन में, बट आई थिंक मुझे लगता है शायद 12 हो जाएगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन तो है एंड मोर ओवर हिल स्टेशन में थोड़ा स्लो ही जाती है। सो करेक्ट टाइम एक्सपेक्ट करना भी हमारा गलती होगा, एंड इसलिए आप मैक्सिमम ब्रेकफास्ट कुछ कैरी करने से अच्छा होगा। ये तो बहुत बड़ा टनल लग रहा है, ये 58 टनल्स में और लॉन्गेस्ट टनल्स 3 या 4 है, 1 या 2 किलोमीटर्स का टनल्स, और रिमेनिंग सब बहुत छोटे छोटे टनल्स है। ट्रेन तो बहुत स्लो से जा रही है एंड इट्स द टनल नंबर 6। और भी 52 टनल्स बाकी है। ऐसा बैक साइड व्यू तो कभी भी हम कौन सा ट्रेन को भी नहीं मिलता है, एंड इवन आपको विस्टाडोम कोच में भी हो जो लास्ट कोच को ही ये फैसिलिटी है, एंड मेरा लक्की से बैक साइड ही मिला है मुझे, मेरा सीट भी लास्ट कोच में मिला है, सो बोनस से ये व्यू ही मिल गया है मुझे। ये बैक साइड व्यू मिलने से इतना एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिला है, नहीं होता तो नॉर्मल से साइड से कैप्चर करना होता तो इतना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि डोर सब बंद है एंड साइड के विंडो से इतना क्लैरिटी भी नहीं है। अब तो बारिश स्टार्ट हो गया है इसलिए हर जगह भी ग्रीनरी ग्रीनरी से दिखता है, एंड आप ऑब्जर्व करेंगे तो छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखेंगे। ओ ट्रेन फिर से स्पीड बढ़ गया है, शायद फिर से और एक टनल आने वाला है। बहुत अच्छा है ना ब्रिज का व्यू। अरे यार एक लाइक तो दे सकते, मुझे नहीं अरकू वैली को। इतने टनल्स भी है, इतना जर्नी भी है, आप कहाँ पे भी 1% भी बोर फील नहीं होंगे, इतना अश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल से एक्सपीरियंस किया हूँ। मेरा लाइफ में तो ट्रेन जर्नी बहुत से बहुत कम है, बट 4 आवर्स जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर भी मैं ये 4 आवर्स 5 आवर्स जर्नी में कहाँ पे भी 1% भी बोर फील नहीं हुआ हूँ, क्योंकि इतना अच्छा सीनरीज हम जिंदगी में कहाँ पे भी देखेंगे नहीं, वो भी बैक साइड से। फिर से मुझे ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि ये विस्टाडोम कोचेस जो भी है बहुत कम है। अगर विस्टाडोम कोचेस रहेंगे तो भी आपको ये व्यू देखना है तो लास्ट कोच में ही टिकट मिलना है। सब लोग भी बैक साइड आ गए हैं। कैप्चर करने में बिजी बिजी हो गए, आंख मूंछ के खोलने में ही इतने टनल्स आ जाते हैं।
आपको कहाँ पे भी गैप नहीं मिलता है। एंड थोड़ा अकोमोडेशन का बात करेंगे तो टूरिस्ट स्पॉट है तो मैक्सिमम होटल्स भी अवेलेबल है। तो आपको सितंबर से फरवरी के अंदर कभी भी आप ट्रैवल करेंगे, फर्स्ट थिंग एसी के रूम का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, बहुत नॉर्मल रहता है, फैन से ही काम चलेगा। सो एसी रूम का कोई ज़रूरत नहीं है, एसी रूम लेके पैसे बेकार कर लेने का कोई ज़रूरत नहीं। और एक स्टेशन आ गया है तैडा। आप रोड वे आएंगे तो आपको तैडा के पास एक होटल दिखेगा, तैडा जंगल बेल्स, क्योंकि एकदम फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस मिलता है उसमें। याद रखना तैडा जंगल बेल्स, अगर बाई रोड आएंगे तो आपको दिखेगा, बहुत अच्छा रहता है लोकेशन भी। हो बाय बाय टू तैडा। एंड क्या बोलता था, अकोमोडेशन आप नॉर्मल रूम से सूट हो जाएंगे, एसी का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड और एक ऑनलाइन में आपको चूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ होटल्स अवेलेबल है, लेकिन मैं तो अभी कुछ होटल भी बुक किया नहीं हूँ क्योंकि इतना प्राइस ज़्यादा दिखाता है कौन सा लोकेशन अच्छा है। मैं तो एक्चुअली 8 ईयर्स पहले एक बार ही ट्रैवल किया था बट मुझे इतना याद नहीं है, सो इसलिए अभी ऑनलाइन बुक नहीं किया हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद कैसा रहता है देखना है। एंड आपको वहाँ पे लोकल में घूमने के लिए तो कैब्स अवेलेबल रहते एंड ऑटोज भी अवेलेबल रहते, आप थोड़ा बार्गेन कर लेंगे तो थोड़ा कम में आ जाएंगे। वही कैब का होता तो मैक्सिमम सब टूरिस्ट प्लेसेस का पैकेजेस आके 6,000 तक रहता है, एंड आपको बार्गेन करने से 5,000 में मिल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा कैब ड्राइवर मिल गया तो वही आपको एक अच्छा सा होटल सजेस्ट करेगा। जो भी होटल का बजट होता है विद इन 1500, 1500 के अंदर ही हर एक होटल भी अवेलेबल रहता है, उससे ज़्यादा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंडलेस 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 सीनरी से और एक टनल पास कर दिया हूँ। ये ब्रिज तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बड़ा है ब्रिज एंड देखने के लिए भी एकदम बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बातों से ज़्यादा आपको लाइव में देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। एंड उसके साइड जो दिखता है वो ओल्ड वन है, अभी वो नहीं है, ये नया वन कंस्ट्रक्ट किया है। थोड़ा वाइड एंगल भी एक बार चेक करो कैसा लगेगा आपको। अच्छा है ना बैक साइड व्यू वाइड एंगल में भी। यहाँ पे सिर्फ आंध्रा के टूरिस्ट ही नहीं है, दूसरे दूसरे स्टेट्स भी आ गए हैं। हे हाय, इट्स मी योर रसिल। तो देखेंगे पीछे का व्यू फिर से। उड़ीसा का सिर्फ बॉर्डर में ही है, सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर्स में ही उड़ीसा स्टेट का बॉर्डर है। बट आंध्रा का देखेंगे तो आंध्रा में एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है,
एंड अरकू से एक 100 किलोमीटर्स में एक एरिया है लंबासिंगी, उसको आंध्रा काश्मीर बोलते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में वहाँ पे टेम्परेचर माइनस को जाता है, इसलिए आंध्रा काश्मीर बोलते हैं। अगर आप विंटर सीजन में विजिट करेंगे तो लंबासिंगी भी एक बार क्लियर से प्लान कर ले सकते हैं। बट एक बात याद रखना, लंबासिंगी में रहने के लिए कुछ होटल्स कुछ नहीं रहते, बस जाके एक बार देख लेके फिर रिटर्न आना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आप सोच के प्लान करना पड़ेगा। टनल नंबर 20, सॉरी ये टनल नंबर 20 है, जब से कर 90 है। थोड़े टनल्स को, छोटे छोटे टनल्स को ए बी बोल के भी दिए, फॉर एग्जांपल 20A, 20A, 20B, ऐसे भी दिए टनल नंबर्स को, बस छोटे छोटे टनल्स को। देखो इतना हिल स्टेशन में कैसा उसको टनल्स करके इतना रेलवे ट्रैक बनाए, हमारे इंडिया के इंजीनियर्स तो इसी जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बना के दिखाते हैं। फिर से और एक टनल, ट्वेंटी वन, और भी 37 बाकी है। इट्स 22। ये तो बहुत बड़ा टनल है, देखेंगे इसका लेंथ कितना है, 701 meters। कंटिन्यूसली एक के बाद एक टनल आ रही है। चाहे स्टेशन आ गया है। एंड नेक्स्ट अप इज चीमिडीपल्ली। शायद आपको वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है पीछे का व्यू, बट चीमिडीपल्ली का लोकेशन तो एकदम बहुत से बहुत अच्छा है। कहाँ पे आप केरला में या कौन सा बड़ा बड़ा हिल स्टेशन में रहे जैसा फील लगता है पे। पीछे व्यू एक बार देखिए हिल्स का।
चिमटीपल्ली स्टेशन। एक्चुअली इसका राइट टाइम 9:20 था, अभी 10 हो गया है, 40 मिनट्स लेट से चल रहा है एंड चिमटीपल्ली से भी डिपार्ट हो गया हूँ। एंड इसके बाद सिर्फ अरकु पहुंचने के लिए और 3 स्टेशन बाकी है। बोर्रा केव्स, करकवलसा, सिमिलीगुड़ा एंड उसके बाद फाइनली अरकु स्टेशन। क्योंकि पूरा सा हिल स्टेशन पे आ गए इसलिए बहुत स्लो से जा रही है ट्रेन। और एक स्टेशन पहुंच गया हूँ, बोर्रा केव्स। तो लेफ्ट साइड को जो रोड दिखता है नीचे वो ये बोर्रा केव्स के जाने का रोड है एंड ये जो रेलवे ट्रैक है वो केव्स के ऊपर ही है। रेलवे ट्रैक 100 मीटर्स के ऊपर रेलवे ट्रैक है, उसके नीचे केव्स है। आप जब बोर्रा केव्स विजिट करेंगे तो आपको ये क्लियर से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे इतने सीनरीज प्लेसेस या टनल्स से देखने के लिए कुछ नहीं रहता तो आप ये ट्रैवल ये ट्रेन जर्नी बहुत बोर फील हो जाएगी क्योंकि बहुत लेट से चल रही है। एंड दिस इज द बोर्रा केव्स स्टेशन, बोर्रा गुहलू बोलते हैं तेलुगु में। स्टेशन के प्रीमिसेस भी एकदम बहुत आसम है देखने के लिए। बट एक चीज ऑब्जर्व किया हूँ, यहाँ पे तो बहुत लोग यहाँ पे उतर गए क्योंकि यहाँ पे उतर के बोर्रा केव्स विजिट कर लेके नेक्स्ट यहाँ से अरकु पहुँचेंगे। ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग वे है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप डायरेक्टली अरकु पहुँचेंगे तो थोड़ा रूम लेके फ्रेश होके फर्स्ट डे अरकु में जो प्लेसेस है विजिट करके नेक्स्ट सेकंड डे आप बोर्रा केव्स विजिट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट से बोर्रा केव्स विजिट करने से फिर यहाँ से अरकु को बाय रोड जाना पड़ेगा, लगभग 40 मिनट्स लग जाएगा। फिर केव्स में विजिट करके फिर रोड जर्नी करके बहुत थक जाएंगे। इतना टायर्ड होके आपको प्लेसेस भी इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करेंगे। तो मेरा पर्सनल रिकमेंड है तो डायरेक्टली कंपलसरी अरकु तक पहुंचना बेटर है। क्योंकि आप करेक्ट प्लानिंग करेंगे तो 2 दिन में, बस 2 दिन ज़्यादा है पूरा प्लेसेस विजिट करने के लिए। अगर आप बोर्रा के उसमें उतर जाएंगे तो फिर यहाँ से उल्टा पल्टा हो जाएगा सब, सो टाइमिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंड है कंपलसरी अरकु तक जर्नी करने के लिए। मैक्सिमम हिल्स के ऊपर आ चुके हैं और सिर्फ 2 स्टेशन बाकी है, करकवलसा एंड सिमिलीगुड़ा। ये सब ट्राइबल एरिया से है, इनके स्टेशन के नाम्स भी ऐसे ही है। ठीक है, इतना देर तो बैक व्यू देखे, एक बार तो देख लो ट्रेन के अंदर से व्यू।
ट्रेन का अंदर से व्यू भी एकदम एक्स्ट्रॉडनरी से है, बट अंदर से कंपेयर करेंगे तो बैक साइड सब कवर कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी, मिरर शेडिंग। टनल्स के अंदर जाने में इतना मज़ा नहीं आएगा अंदर से देखने से, बट बैक साइड से देखने से आपको एकदम क्लियर व्यू दिखता है। ये तो एक वाइड एंगल व्यू है, बहुत अच्छा दिखता है ना। दो साइड्स हिल्स, बीच में रेलवे ट्रैक। ये इतना एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स को मिलने के लिए कोच स्पेशल से डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े विंडोज है। ऊपर भी विंडो सीलिंग है बट ऊपर से इतना ज़्यादा व्यू नहीं मिलता है, बट उधर इधर लेफ्ट एंड राइट को बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है, एंड बैक साइड में एकदम सुपीरियर व्यू मिलता है। मस्त दिख रहा है ना वाइड एंगल व्यू भी, एंड मोर ओवर इसका एडवांटेज है सीट्स को रोटेट करना, 180 डिग्रीज में रोटेट कर सकते हैं, सो आप जिस साइड चाहे उस साइड देख सकते हैं। तो फाइनली मैक्सिमम हिल्स के ऊपर पहुंच गए। किधर भी देखो एकदम ग्रीनरी, आपको नेचर से इतना मिलजुलने के बाद एकदम मेंटल पीस तो मिल जाता है। जिंदगी में जितने भी तकलीफ है थोड़ा सा उससे रिलीफ मिल जाएगा, तकलीफ तो जाएगा नहीं बट थोड़ा स्ट्रेस तो रिलीज हो जाएगा। इसलिए कभी भी ईयर में एक बार तो पूरा एकदम नेचर से रहने का, उसमें ट्रैवल करना बहुत अच्छा है। शायद आपको अभी समझ में आके होगा क्यों इतना बड़ा वीडियो है, कहाँ पे भी ट्रिम क्यों नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जो भी प्लेसेस है मुझे ट्रिम करने के लिए मन नहीं हुआ था। तो इतना अच्छा व्यूज है तो ट्रिम क्यों करो, जो जिसको ज़्यादा पेशेंस है वो आराम से देख सकते हैं सब वीडियो। एंड अवरक स्टेशन पार हो गया करकवलसा, एंड इसके बाद और सिर्फ एक ही बाकी है शिमलीगुड़ा। अच्छा है ना व्यू, कैसा लग रहा है प्लेस थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। मुझे तो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी से लगता है, पूरा सा मैक्सिमम ऊपर पहुंच गए, टनल्स भी पूरा हो गए शायद। इतना बड़ा टर्निंग को पूरा ट्रेन का व्यू पूरा दिख जाता है इधर। ये सब आपको बातों से एक्सप्लोर करने में, आपको एक बार विजिट कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दिल को, क्योंकि बातें क्या है हमारे बातों से आपको इतना ज़्यादा लगेगा नहीं, बट आप खुद एक बार ही लाइव में सब एक्सपीरियंस पाएंगे तो उसका मज़ा ही अलग है।
सिमिलीगुड़ा भी क्रॉस कर दिया हूँ। ये सब छोटे छोटे स्टेशन से, ये सब कुछ मेजर स्टेशन तो नहीं है। मन को बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सा व्यू है। ट्रेन भी एंजॉय करने के लिए, ट्रेन भी बहुत स्लो से चल रही है। एंड आपको बाय रोड आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है रोड भी। अगर कोई वॉमिटिंग का इश्यू होता तो रोड जर्नी करना सेफ नहीं है। व्यू अच्छा है ना, ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज। आपको रोड जर्नी करेंगे तो अलग अलग ट्रीज सब देख सकते हैं। जितना रोड जर्नी करेंगे सब जगह भी ओक ट्रीज ही होते, तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग लगेगा। अब तो आंध्रा में नहीं है, कौन सा दूसरा बड़ा एक हिल स्टेशन में है बोल के। आपको अराउंड रोड जर्नी भी 5 आवर्स लगता है, तो बसेस भी रहते गवर्नमेंट के, या वोन कैब लेके भी आ सकते हैं। ये फाइनली बैक साइड का व्यू ऐसा है, बैक साइड का डोर एंड उसके बाद एक छोटा सा विंडो एंड बैक साइड का एक बड़ा विंडो। फाइनली आ गया हूँ अरकू स्टेशन को, बस 2-3 मिनट पे उतरने वाला हूँ। ओह, फाइनली रीच टू अरकू वैली। शायद आप भी एंजॉय करें बोल के एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए एंड आपका वैल्यूबल फीडबैक, एंड आपको कोई भी ट्रिप का जो भी डाउट्स है कमेंट में दीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें नॉर्मल रिजर्व कोचेस है बट स्लीपर क्लास नहीं रहता है, अनरिजर्व रहता है, रिजर्व ओनली चेयर कार रहता है। बट आपके जर्नी करना है कंपलसरी विस्टाडोम में जर्नी करना ही बहुत बेहतर है। ये अरकू स्टेशन का बाहर का व्यू। ये जो बाहर बहुत कैब्स अवेलेबल है, तो आप एक कैब से क्लियर डिटेल सब ले लेके आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली कैब ड्राइवर ने एक होटल को लेके आया, होटल आराध्या, एंड इसका प्राइस तो सिर्फ 1300 है वन डे के लिए, लेकिन बहुत अच्छा है। लव अरकू। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपको मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आपका फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। See you again in next video. Keep in touch.